22 तारीख को कंप्लीट हो चुका था। आज फॉर्मली हम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। हमने अभी पीछे एक मैसेज डाला था अपने ग्रुप मेंबर्स को, ग्रुप टीम मेंबर्स को, जितने भी हमारे टीम जुड़े हुए हैं, कुल 47-48 टीमें जुड़े हुए हैं RSKPA के साथ। हमने न्योता रखा था, पहले तो हमने प्रपोजल डाला था प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बोर्ड के लिए, जनरल सेक्रेटरी बोर्ड के लिए, तो उस प्रपोजल में कुछ हमने नाम डाले थे। साथ में हमने एक मैसेज डाला था और 4 दिन का टाइम दिया था कि किसी और को अगर इलेक्शन के लिए खड़े होना है तो वो हो सकते हैं। हमने वेट किया 12 तारीख तक, किसी का कोई जवाब नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रपोज्ड मेंबर है अब वो इलेक्टेड माने जा रहे हैं। प्रपोजल ये था कि सदर के पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए मोहम्मद सलीम साहब सुपर इंडिया गाइड क्लब के, वो हमारे सदर होंगे और आगे से हमें लीड करेंगे। सुधीर भाई स्वागत करेंगे सलीम साहब को जो हमारे प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट कैंडिडेट जो हमने डिक्लेयर किया था वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वो थे मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर। Thank you.
शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। हमारा आरएसके पे सिर्फ दिल्ली से नहीं, दो जगह से रजिस्टर्ड हो रहा है। हमारा दूसरा रजिस्ट्रेशन यूपी का है, नोएडा का, जो अभी किसी वजह से इलेक्शंस के वजह से रुका हुआ है। इलेक्शन के बाद वो भी हमारा पास हो जाएगा, जो कि आरएसए बैनर के नीचे ही होगा, वो यूपी शहर से रजिस्टर्ड होगा। आने वाले टाइम में जो जो हमारे ग्राउंड होंगे हमारे पास में, उनको कवर करने के लिए एक एक अहदेदार को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और वो ऐसे कवर किया जाएगा क्योंकि एक आदमी से पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरे दिल्ली को कवर कर ले। जो जहाँ का होगा वो वहाँ के जो है ग्राउंड को कंट्रोल करेगा और पतंगबाजी को गाइडलाइन को ऐसे ही हम आगे लेकर बढ़ेंगे। और इसको आने वाले टाइम में सिर्फ नेशनल लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर जाएंगे। हमारे टीम में कुछ 47 टीम है, हमने सिर्फ उन्हीं टीम का रजिस्ट्रेशन किया जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी ग्राउंड लिमिटेड है, ग्राउंड ज्यादा है नहीं हमारे पास। जब ग्राउंड और बढ़ेंगे तो हम और शायद बढ़ाएंगे, हम उतनी ही टीम को लेकर चलेंगे आगे। मकसद ये नहीं कि हमें टीम को भरना है, मकसद ये है कि क्वालिटी की जो है हमें गाइडलाइन देना है, अपने टीम के रजिस्टर जो हमारे बीच में हो रहे हैं उनको जो है जगह देनी है। सिर्फ यही हमारा सोल मोटिव है, ये नहीं कि हम जो है भर ले टीम को बाद में जगह नहीं दे पा रहे और वो परेशानी का और आगे चल के कारण हो रहे हैं। इसकी हम अभी लिमिटेड टीम से स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास अभी इतने 47 टीम है, लेकिन आने वाले टाइम में ग्राउंड जब बढ़ेंगे तो हम टीम और ऐड करेंगे। वो आने वाले टाइम में आप सबके सामने हम बता देंगे, जैसे ग्राउंड जब और ऐड करेंगे तो टीम हम तब रजिस्टर करेंगे। अभी फिलहाल कितने टीम हमने रजिस्टर किए, किसी की टीम में आ रहे हैं एक जरूरी बात जो हम बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से, जो टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है वो हमारे एसोसिएशन के एसोसिएट्स कहलाएंगे। वो टीम वाले जो है ना हमारे साथ के भागीदार होंगे, न कि जो है एसोसिएशन के नीचे होंगे। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। हमारे को कोई फर्क नहीं रखना है छोटी या बड़ी टीम, सारे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में होंगे, बढ़िया काइट फ्लाइंग करेंगे और इस गेम को एक रेस्पेक्टेबल पे ले जाएंगे। तो सारे लोग यहाँ पे अग्री करेंगे कि व्हाट्सएप एक मुसीबत बन गया हमारे लिए, हम सबके लिए मुसीबत बना हुआ है। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो कि पास ऑन होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, हो सकता है जो मैसेज आपको अच्छा लग रहा है दूसरे को नहीं लग रहा हो। तो कोशिश करें कि व्हाट्सएप में कम से कम वार्तालाप हो, दूसरे लोगों की चर्चा ना हो, झगड़ों का सबब ना बने, मतलब आगे चलते हुए ऐसी स्थिति नहीं आनी। तो कोशिश करके हमारे जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं कम से कम बातें करें, और गाइडलाइन से लेकर ये मैचेस फिक्सिंग से लेकर जो है वो बातें हो तो ज्यादा अच्छी, इसके अलावा जो है डिस्कशन और नहीं।
पास अभी तीन ग्राउंड है बीएनडी में, प्रोसेस में अभी जो है हफ्ता दस दिन में दिल्ली के अंदर शायद एक और ग्राउंड आ जाए। ग्रेटर नोएडा में अगर कोई आना चाहे तो हमारे पास 10 किलोमीटर का एक ग्राउंड है, कम से कम 10 किलोमीटर होगा, मतलब जो है ज्यादा ही हो सकता है, तो वहां पे भी इन्विटेशन है, वो आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तीन ग्राउंड है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो तीन ग्राउंड बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे जो है एक ग्राउंड में चार टीमें खड़ी होती हैं, तो आपस में पतंगे टकराती हैं, जगह का विवाद होता है कि जगह कम पड़ रहा है। तो मेरी सजेशन ये है कि जैसे हमने टूर्नामेंट अभी पीछे किया है डीएनडी 2021 में, आपने देखा होगा कि दो इधर टीम बैठी हुई है, दो इधर, शुरू में तो चार इधर बैठी हुई थी, चार इधर बैठी हुई थी, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है ना। मैं यही चाह रहा हूं कि लोकल गेम्स में भी जब एक ग्राउंड में दो गेम्स होते हैं तो जो ऑपोजिट टीम है दो एक तरफ बैठ जाए और दो एक तरफ बैठ जाए, चिराव भी भरपूर मिलेगा, पतंगे भी जाया नहीं होंगी। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए और ये कामयाब होगा मेरे हिसाब से। हम संविधान में पहले ऐसे ही लड़ाते थे, बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए इस बात को, रामलीला ग्राउंड में हमारा गेम ऐसे ही लड़ा करता था। मिसाल के तौर पे मेरा बबलू भाई से गेम है, तो बबलू भाई जिस तरफ बैठे हैं और किसी और का गेम है वो मेरे साथ बैठा हुआ है, और उनका जिनसे गेम है वो बबलू भाई के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे एक जगह में जो है दो दो टीम बैठती है तो चिराव भी भरपूर मिलता है और पतंगे जाया भी नहीं होती। आप लोग डीएनडी में यही चीज प्रैक्टिकल करके देखिए, ये कामयाब हो जाएगा, ना कि जो है जगह के पीछे विवाद हो उसमें चिराव खत्म रह जाता है, ये तो वैसे भी एक रुक के लड़ता है, तो अच्छा पहले से ही ये जो है मसला ना हो, लड़ाई झगड़े का सबब ना बने, इस करके जो है ना ये प्रपोजल मैं रखना चाह रहा हूँ कि दो टीमें इधर बैठिए और दो टीमें इधर बैठिए, यानी जिनसे जिनका गेम है वो दोनों टीम अलग अलग बैठे, और आप लोगों का गेम देखिए बढ़िया लड़ेगा, एक बार ट्राई करके देखिए मेरे कहने से।